हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारी मिठाई कितनी सुंदर लग रही दिखने में, और इसको हमने बनाया सिर्फ 10 मिनट में, और वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी मिठाई। यहाँ पे मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया, आधा कप मैंने पाउडर्ड शुगर लिया, 1/4 कप सॉरी, और ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने। और अब हम एक बॉल में इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला, ये हमारा मिल्क पाउडर। ये बहुत ही झटपट बनने वाली मिठाई है, और फटाफट और बिना गैस जलाए। और ये हमारी शुगर जिसको मैंने पाउडर कर लिया है। जितनी बनने में इजी है, फटाफट बनती है, उतनी खाने में टेस्टी है, बहुत ही यम्मी लगती है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। ये मैंने चिल्ड मिल्क लिया है, ये आप हिसाब से डालें, इकट्ठा ना डालें सारा, क्योंकि हमने इसको बस बाइंडिंग के लिए डालना है, इसका बैटर नहीं बनाना, बस ये हमारा बाइंड हो जाए। जिससे जो हमने मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट और शुगर डाले, तो देखिए हमारा ये अच्छे से बाइंड हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। और इनको भी मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर ही डाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इस ऊपर से लगाएंगे तो कई बार क्या होता है कि वो अंदर तक नहीं जाते, अच्छे से चिपकते नहीं इसमें, इसलिए मैंने इनको अंदर ही डाल लिया, इसके मिक्सचर में ही डाल लिया। और अब हम फॉइल पेपर लेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, क्लिंग रैप में भी रख करके रख सकते हैं आप इसको। और अब हम इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे, ऐसे हाथों से ही इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है और फटाफट बनती है। सबसे मजेदार बात है कि इसको बनाने के लिए हमें गैस भी नहीं जलानी पड़ती, बिना गैस जलाए हम इसको फटाफट बना सकते हैं, कभी भी खाने का मन करे। और इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डलते, सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही ये बन जाती है हमारी मिठाई। हमने इसको रेक्टेंगल शेप दे दिए, बिल्कुल अच्छे से ये हमने इसको शेप इस तरह इसलिए दिए कि हम पीसेस कट करें तो हमारे पीसेस अच्छे से कट हो जाए, ये वाली शेप के। अब हम इसको रैप कर देंगे। और इसको रैप करके फ्रिज में 1 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे हम। ये हमारे मिठाई को 1 घंटा हो गया और ये अब तक सेट हो गई होगी, हम देखते हैं। चलो हम रैप खोलते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई अच्छे से। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से मोटे या पतले कट कर सकते हैं, वैसे तो हमने इसको शेप दे ही रखी है। ये देखिए इतनी थिकनेस के पीसेस मेरे को ठीक लग रहे हैं, मैंने इनको ऐसे कट कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर चांदी का वर्क भी लगा दिया। अब ये दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है, ये बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई। फ्रेंड्स, आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको वीडियो ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।